होता, थोड़ा अलग लगता है ना, राइट। जब भी यहाँ से कोई गुजरता है, एक पत्थर यानी गोटा इस भगवान को अर्पण कर देता है। सुना है मन की मुराद पूरी होती है। महाराष्ट्र में नागपुर से कुछ घंटों की दूरी पर है पांडर कवड़ा और वहाँ से अंदर धर्मगोड़ा। जंगलों से होकर जाना पड़ता है यहाँ। ये रहा धर्मगोड़ा। 35 से 40 घर होंगे मुश्किल से, मगर मुश्किलें काफी थी। दिन में सब ठीक ठाक होता था, लोग मजदूरी करने जाते, औरतें घर संभालती। पर जब रात होती तो सब तरफ अंधेरा। दियों की रोशनी में पढ़ाई और घर के सब कामकाज। तकलीफ तो होती थी, मगर हम बताते किसे। रात को बाहर जाने का सांप और बिच्छू का डर हमेशा लगा रहता था। दिन में हम लोग बाहर निकल सकते थे, लेकिन रात में हम कहीं नहीं जा पाते। बाहर नहीं जाते थे, अंदर हमारे कोने कड़े जाते थे। फिर एक दिन नया सवेरा हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूर्व DCF मिस्टर रेड्डी ने इनके घरों में उजाला पहुंचाया। कैसे? करंजी के पेड़ जो यहाँ विपुल मात्रा में है, उनके बीज इकट्ठा कर उनसे बायोडीजल बनाने का प्लान बना। गांव वालों को साथ लिया, सब करंजी के बीज जमा कर यहाँ लाने लगे। इनसे पहले बना तेल, फिर वही तेल गांव वाले हर हफ्ते गांव में लाने लगे। राम राम, कहाँ जा रहे हो? ये डीजल लेके जा रहा हूँ। तेल खत्म हो गया था क्या? हाँ, खत्म हो गया था। कितना लाए हो? 30 लीटर। तो हमें अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अभी 4 दिनों के लिए काफी हो जाएगा। तो जाओ डाल दो। यहाँ एक जनरेटर फिट किया। करंजी के तेल से बने बायोडीजल से जनरेटर चलने लगा और ऐसे हुआ बिजली का निर्माण। अब हर रोज जब शाम होती है तो 7 से 10 बजे तक गांव वाले बिजली शुरू कर देते हैं। खाना पकता है, पढ़ाई ढंग से होती है। इतने सालों से यहाँ लोगों को विश्वास नहीं था कि कभी उनके लाइफ में वो बिजली देखेंगे, तो अभी बिजली आ गई। और दूसरा है कि ये जंगल से घेरा हुआ है, जैसे रात को इनको अंधेरे में निकलना पड़ता है घर के बाहर, तो उससे वो जो धोखा पहले था अभी उसे कह सकते हैं कि कम हो गया है। दूसरा ये कि पहले जैसे अपने घर के अंदर ही रहते थे, अभी थोड़ा बाहर आना और सोशल इंटरेक्शन जिसे कहेंगे वो थोड़ा बढ़ गया है। बिजली यहाँ सिर्फ उजाला ही नहीं लाई, जीने की एक दिशा भी लाई। इससे क्या हुआ कि ये लोगों को थोड़ा फॉरेस्ट के तरफ एफिनिटी बढ़ गई और ये लोग खुद काटना तो बंद कर दिए, और जो बाजू के लोग आते थे ये गांव में उनको इन्होंने बंद कर दिए। सुबह गश्त पर गए थे क्या? पकड़ के रहे थे अपने गश्त वाले। इन दिनों तो कुछ नहीं है, इन दिनों कुछ भी सुनने में नहीं है। अब गांव वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद भी करते हैं। इस तरह अब धर्मगोड़ा में सब कुशल मंगल है। और अब तो मस्ती का आलम भी छाया रहता है। शाम को 7 से 10 बजे तक खूब मजा लेते हैं टीवी का सब गांव वाले। जब धर्मगोड़ा अपनी बरसों की परेशानी से निजात पा सकता है तो अंधेरों में डूबे और गांव क्यों नहीं, चाहिए तो सिर्फ इच्छा शक्ति।